नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद राउत, आपका स्वागत है लॉन्ड्री नॉलेज एंड केमिकल्स में। दोस्तों, अभी ये बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में खासकर फंगस के दाग आ जाते हैं, जिसे बुरसी भी कहते हैं। तो कपड़ा जब गीला रह जाता है या हमें ध्यान में नहीं रहता कि कपड़ा गीला है, हम रख देते हैं और 2-3 दिन बाद क्या होता है कि ये बुरसी के दाग आ जाते हैं। तो ये दाग बहुत हार्ड दाग होते हैं, व्हाइट कपड़ों का भी इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, मगर इतना भी आसानी से नहीं निकलते ये बुरशी के दाग, और कलर कपड़ों पे भी प्रॉब्लम होता है। तो कलर कपड़ों का देखेंगे, पहले देखेंगे कि ये व्हाइट कपड़ों से ये फंगस के स्टेन है तो ये कैसे निकलना। तो कुछ कपड़े हैं हमारे पास, तो ये जो स्टेन है तो ये निकालने के लिए हमें पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा पानी लगा देंगे। पानी लगा देने के बाद जो फ्लायर स्टेन रिमूवर है, जो कि सफ़ेद कपड़े पे ही यूज़ करना है सिर्फ, या पॉलिस्टर है पक्के कलर का है तो भी उस पे ही यूज़ करना है। तो फिर इसमें फ्लायर स्टेन रिमूवर में और हाइपो ब्लीच में फ़र्क क्या रहता है? तो इसमें फर्क यह रहता है कि हाइपो ब्लीच को इसी तरह से बनाया जाता है कि हो सके उतना ज़्यादा कलर उड़ाए या स्ट्रांग हो या वाइटनेस लाए, और फ्लायर स्टेन रिमूव को इस तरह बनाया जाता है कि दाग तो निकाले मगर हो सके उतना कलर डैमेज ना करे। मगर ये तो उसी तरह का होता है, इसलिए इससे कलर उड़ने के चांस होते हैं। तो जैसे ही ये लगा दिया, जो डार्क कलर था वो ब्राउन पे चला गया, तो ये निकलने में टाइम लेता है। अगर हमें ये फास्ट निकाल के देखना है तो जो स्ट्रोकर होता है इसको टच कर देते हैं, टच करते ही ये निकल जाता है। मगर हमें इसको टाइम देना चाहिए थोड़ा, क्योंकि ये फ्लायर स्टेन रिमूवर लगाना है हमें और थोड़ा टाइम देना है, और फिर ज़्यादा भी टाइम नहीं देना है, क्योंकि फिर कपड़ा क्या हो जाता है, पीला पड़ता है। तो ऐसा भी इतना भी टाइम नहीं देना चाहिए, और इसको ये मशीन में भी निकल जाता है। हाइपो ब्लीच जब करते हैं तो मशीन में, तो उसमें भी निकल जाता है। ये कौन सा कपड़ा जल्दी छोड़ेगा? कुछ कपड़े स्टेन जल्दी छोड़ते हैं, कुछ कपड़े स्टेन थोड़ा टाइम लेते हैं। स्टेन तो हमें पूरे निकाल के ही देना पड़ते हैं, मगर कपड़े पे डिपेंड रहता है। जो पहला कपड़ा निकाल रहे थे हम, तो वो क्या हो गया, थोड़ा लेट छोड़ रहा था। मगर ये जो दूसरा कपड़ा है, इस पे हम जैसे ही लगा देते हैं तो ये तुरंत छोड़ रहा है। ये हमने फ्लायर स्टेन रिमूवर लगा दिया और थोड़े नॉर्मल ब्रश कर दिया तो ये निकल रहा है। तो इसका प्रोसीजर ये है कि इसको व्हाइट कपड़ों में डाल देना चाहिए। व्हाइट कपड़ों में जब ये चले जाएंगे तो ये दाग निकल जाएंगे इसके, और इसको अगर कुछ पॉइंट है, अगर नहीं निकल जाता है मशीन में या फिर थोड़ा लगा है, तो हम इसको फ्लायर स्टेन रिमूवर से भी निकाल सकते हैं। तो ये स्पॉट ले लिया, इस स्पॉट पे हमने फ्लायर स्टेन रिमूवर डाल दिया। हम इसे तुरंत वॉश में डालने वाले हैं, इसलिए क्या कर दिया, इसको पानी नहीं लगाया हमने, नहीं तो पहले पानी लगाना चाहिए और फिर फ्लायर स्टेन रिमूवर लगाना चाहिए। ये इसी तरह से निकलता है और हमें बहुत जल्दी निकालना है। तो आप देख सकते हैं, अगर स्ट्रोकर स्टेन रिमूवर टच करते हैं तो ये तुरंत निकल गया, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे, कुछ ये जो अलग स्टेन है तो इसको टारगेट करेंगे। इस पर हमने फ्लायर स्टेन रिमूवर लगा दिया,
थोड़ा सा ब्रश कर दिया। इसको जल्दी निकालने के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए, इसको टाइम देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जल्दी भी निकाल सकते हैं हम। रंगी व्हाइट कपड़ों पे जब ये स्टेन होते हैं व्हाइट कपड़ों पे, तो व्हाइट कपड़ों को इसको हाइपो ब्लीच में चला देते हैं तो ये स्टेन निकल जाते हैं, और अगर कुछ बचता है तो प्लायर स्टेन रिमूवर से आप निकाल सकते हैं। और कपड़े के ऊपर रहता है, कोई कपड़ा क्या करता है जल्दी स्टेन छोड़ देता है, कोई कपड़ा स्टेन छोड़ने में टाइम लेता है, क्योंकि दाग तो वही है, केमिकल भी वही है, सब कुछ वही है, मगर कपड़ा बदल जाता है। कपड़ा बदल जाता है तो फिर टाइमिंग बदल जाती है, प्रोसीजर एक ही रहती है। हमने क्या कर दिया, प्लायर स्टेन रिमूवर लगा दिया और ये ब्रश कर दिया नॉर्मल, तो निकल रहा है। आपको सिर्फ दिखाना था कि किस तरह से ये निकल सकता है। इस पे बहुत सारे स्टेन है तो इसको हम निकालते नहीं बैठेंगे, इसको मशीन में डालेंगे, मशीन में डालेंगे तो ये निकल जाएगा। फंगस के स्टेन जो है पूरे निकल जाते हैं। ये व्हाइट कपड़ों की प्रोसीजर ये कि व्हाइट कपड़ों की प्रोसीजर में जो भी कपड़ा है वो व्हाइट लॉट में डाल देंगे, हाइपोब्लीच से निकल जाएगा, अगर कुछ बचता है तो फिर प्लायर स्टेन रिमूवर से छोटा स्पॉट होगा तो उससे निकाल देंगे। और अगर रंगीन कपड़े में इसी तरह के फंगस के दाग होते हैं तो वो कैसे निकालना हम देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।